हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम, सॉरी यार, गुड मॉर्निंग, 10:30 हुए सुबह के, ओवरनाइट ड्राइव किया, एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो यार रोहतांग क्रॉस कर गए हैं, नाउ वी आर लीविंग फॉर जिस्पा। तो जिस्पा यार लाहौल वैली में है और हम वाया किलोंग होते जाएंगे, कोकसर, सिसु, किलोंग, जिस्पा। और जो लाहौल है, मतलब इट्स अ वैली, लाहौल इज़ नॉट द प्लेस, लाहौल इज़ द रीजन। तो इस रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो किलोंग है, एंड सिमिलरली जो लद्दाख है, लद्दाख इज़ अ रीजन नॉट अ प्लेस, उसका हेडक्वार्टर लेह है, जो आई थिंक इंडिया का नंबर थर्ड सबसे एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और स्पीति इज़ अ रीजन एंड गाजा इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्पीति। तो ये है, बस अभी निकल रहे हैं यार, और ये रास्ता आगे किलोंग भी जाता है, इधर से एक रास्ता काजा को भी कटता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही आएगा। ग्लेशियर्स देखो, बर्फ़ तो अच्छी खासी पड़ी है, प्रॉब्लम बस यही है कि इसको प्रिजर्व नहीं करता, बर्फ़ की कमी नहीं है, अब इससे ज़्यादा क्या बर्फ़ पड़ सकती है, अब खुद देखो, ब्यूटीफुल यार, सामने देखो, जितने पीछे पहाड़ हैं वो सारे लाहौल वैली में हैं। रोहतांग इज द गेटवे टू लाहौल वैली। अपनी तो वाइट राइड होगी, चिल्ड राइड भी होगी। सॉरी दिग्विजय, अगर तू देख रहा भाई, तेरे वर्ड्स चोरी किए हैं, वाइट राइड पर है, वाइट राइड ही। ये देखो यार, ये काम ना जैसे सनरूफ वाले बच्चे करते, अच्छे लगते हैं, जैसे ये अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें से कोई भालू टाइप अंकल, भालू टाइप आंटी निकले तो अजीब से लगता है। व्लॉग थोड़े से लंबे हो जाएंगे यार, बिकॉज ये होता है ना, क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, वो ऐसी चीज़ आपको कैसे ना दिखाऊं, क्योंकि इतनी बर्फ हर बार नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा बर्फ है रोहतांग, काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, इसलिए रोहतांग के रास्ते भी लेट खुले हैं। नाउ आई एम बिट स्केयर्ड, कहीं ये ना हो ले के अभी थंग लांगला पास का कोई इशू हो, बारहला अच्छा का कंफर्म है मुझे, नकीला इज़ नॉट द इशू, तुंगला किला भी थोड़ा सा इशू रहेगा ना, खरदुंगला भी मिलेगी, खरदुंगला तो यार फिर अपन ले पहुंच जाएंगे ना, थांगलांगला तो रास्ते में है ना, वो क्रॉस करना। एक बात और है कुणाल, खरदुंगला इज नॉट दैट टफ, अगर मेरी तुम सही मायने में बताओ ना, जो सबसे टफेस्ट पास है चांगला को कह सकते हैं, पेंगोंग वाला जो है बहुत टफ, बहुत टफ पास है। प्लान फिलहाल यही है, अभी आज नाइट स्टे तो हमारी जिस्पा में है ही है, निकल जाएंगे आराम से इजीली, बट कल का क्या रहेगा, वो पहुंचने के बाद फाइनल होगा। कल रात के 8:30 के ड्राइव कर रहे हैं, उससे पहले भी प्रेपरेशन में सारा टाइम बीत गया, एज इट्स आर फर्स्ट, कहते हैं ना पहली बार ये काम कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग, तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू आवर बेस्ट। कहते ना लाइक मेरा ये 16 ट्रिप है, तो आप यार ट्रस्ट नहीं करोगे, मतलब हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता है आपको, कभी ज़्यादा कभी कम कभी बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर तो जब हम गए थे टूवर्ड्स ले, तो अब किसी पास पे कोई बर्फ़ नहीं मिली थी बारहलाचा को छोड़ के, और वापस आते हुए तो मतलब बर्फ़ का स्टॉम ही था, आप स्नोफॉल भी मत कहो, इट वॉज लिटरली स्टॉम। और मैं इस रूट पे आ भी बहुत देर बाद रहा हूँ, मेरा आइटिनरी नॉर्मली काजा के थ्रू रहता है, वो भी आपको दिखाऊंगा, उसके ब्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। बाकी यार इंस्टाग्राम हैंडल मैंने नीचे लिंक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, उस पर आप फॉलो कीजिए, उसको आप, उसमें आपको पता लगता रहेगा हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि उस पर मैं हमेशा पहले डालता हूँ।
واقعہ اگر کسی کو دماغ میں کوئی سجیشن ہو کون سا ٹریک کرنا چاہیے تو یار کمنٹ میں ضرور بتاؤں, ہم پوری کوشش کریں گے وہ کرنے کی. پر کامن نہ ہو, مطلب ایسا ٹریک نہ ہو جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں, پورے کا پورا جتھا یا ٹولا جا رہا ہے کسی کا, وہ چیزیں ہم نہیں کریں گے یار. مطلب ایسی کوئی بھی چیز نہیں کریں گے جس سے نیچر کو نقصان ہو, اور نیچر کو سب سے زیادہ نقصان رش سے ہی ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہو جائیں. یار اسٹریچ دیکھو, کار پیچھے بھی کافی خراب تھا, کنال بھائی میں بولا بھی تھا آپ کیمرہ آن کر لو, پر اس ٹائم من نہیں تھا. چلو اسٹریچ تو آپ دیکھو گی, یہ اسکارپیو تھوڑی فریم سے ہٹے یار, پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے اسکارپیو ہٹی ہے, تو یار یہ لاہور ویلی ہے, اور اس کے مان لو اس کے بیہائنڈ اس کے ادر سائڈ اسپیتی ویلی ہے. تو ابھی ایک اسٹیشن آتا ہے گرامفو, اگر مطلب یہ بھی ایک روٹ ہے وایا شملہ, رامپور, وانگٹو, ریکانگپیو, ناکو, تابو, کازا, گرامفو. گرامفو سے اگر آپ لیفٹ ہو جائیں گے تو آپ منالی آ جائیں گے, رائٹ ہو جائیں گے تو لے آ جائیں گے. اٹس اے بیوٹیفل 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 اینڈ ایڈونچرس وے. وہ یار آپ بالکل لاہور ویلی میں انٹر کر گئے ہیں, جو سامنے آپ کو دکھ رہی ہے اٹ از لاہور ویلی, میسیو ماؤنٹینس. پہاڑوں میں پہاڑ یہی کے ہیں, باقی سب پہاڑیاں, باقی سب پہاڑیاں, یہ شملہ منالی اصلی پہاڑ یہی ہے, ٹرو ون. یہ جی کوکسر آ گیا. تو یار یہ نا جو بھی بندہ منالی سے آ رہا ہے وہ یاد رکھنا اپنا یہاں پہ جو بھی اپنا پرمٹ ہے وہ چیک کروانا, بنا چیک کروائے غلطی سے مت نکل جانا, بہت دقت ہوگی کیونکہ اس کے بعد آگے جب آپ بارہ لاچا جاؤ گے تب بھی چیک کرنا. ایسا ہوتا ہے یار پاس, یہ آپ پاز کر کے دیکھ لینا, مجھے پتہ نہیں کلیئر دکھ رہا آپ کو نہیں دکھ رہا, ایسا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ لے جا رہے ہو نا, تو اگر آپ واپسی اسی راستے سے کرتے ہو تو یہ جو ہے یہاں پہ یہیں پہ رک کر اسٹیمپ ضرور لگوانی ہے, اور بنا یہاں سے نہیں نکلنا, اور کچھ کھانا پینا بھی ہے, اٹس اے گڈ پلیس. تو یار آپ اب سسو آ گئے ہیں, یہاں پہ آپ کریں گے لنچ. یہ جگہ کا نام ہے سسو. کھانا کیسا لگا بھائی؟ بہت بڑھیا, گھر جیسا. کھانا اچھا تھا بٹ فوڈ بٹ اکارڈنگ ٹو پلیس اٹ از ایکسپینسو. It is expensive, yes. Okay. Yeah. But it's good. It is good. بارش والا موسم ہو جائے نا مزہ آ جائے, بہت ہی بہت بہت ہی اچھا راستہ. بس آئی تھنک ہمیں ابھی بس ڈیزل ڈلوانا ہے, اس کے بعد کلونگ سے 10 کلومیٹر پہلے ٹانڈی اسٹیشن آتا ہے, وہاں ہم ڈیزل ڈلوائیں گے, اس کے بعد وی ول لیو فار جسپا. آج کا اسٹے وہیں پہ یہ فائنل ہے. باقی ایک سیکنڈ, سامنے یار تم جھرنا دیکھو. ٹانڈی پہنچ گئے, جس کو کہتے ہیں جی بس اگر ڈیزل پیٹرول کچھ بھی بھروانا ہے یہاں سے بھروا لو, یہی ہے وہ. سارے بائکرز کار جو بھی سب یہیں پہ ملیں گے آپ کو, اور اس کے بعد پیٹرول پمپ سیدھا کارویا لے.
बिटवीन मिल तो जाएगा, फिर उसकी ब्लैक देनी पड़ेगी। यहाँ से सचपास जाना हो तो ये रास्ता जा रहा है ऊपर उदयपुर सचपास, यहाँ से आप जा सकते हैं ये वाला। तो व्यूअर्स अपनी कोशिश रहेगी आते हुए आपको सचपास दिखाएं और उदयपुर दिखाएं, राजस्थान का नहीं हिमाचल का। यार अभी आप लोगों से बात कर रहा था, अगर बारिश वाला मौसम बन जाए, राइट हैंड साइड इस तरफ देखो, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या मौसम है। तो ये किलोंग है यार, हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल वैली, मतलब आप कह सकते हैं अभी हिंदुस्तान का वन ऑफ दी सबसे ठंडी जगह। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -25 -30 तक पहुँच जाता है और बिल्कुल कट जाता है बाकी के हिंदुस्तान से। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेशन। तो यार आज तो कुछ और भी मांग लेता ना वो भी मिल जाता। बारिश शुरू हो गई है, सामने देखिए ऊपर, ये ध्यान से, ये बर्फ पड़ रही है ऊपर, स्नोफॉल। मतलब यार एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो फील कर पा रहा हूँ। जिस्पा पहुंच गए अपन और ये हमेशा की तरह मिडवे कैंप्स जहाँ स्टे करेंगे। इसके रूम्स वगैरह आपको दिखाता हूँ, क्या इसका फेयर है वो भी बताता हूँ। कैसा लगा जी रूम? ग्रेट। और ये यार रूम तो हमने ले लिया, बट अब कह रहे हैं 12 लाख का थोड़ा इशू है, लेट्स सी क्या बनता है। इधर जाओगे तो ये, इधर जाओगे मनाली, इधर जाओगे तो आपके सामने 12 लाख इस तरफ ही, ये सारा व्यू है। बस 1000 पर बंदा चार्ज किए इंक्लूडिंग नाइट मील। थैंक यू। तो सामान ही बड़ा हो जाता है, सामान ही बहुत है यार। ये टेंट है यार अपना, देख लो उसे, बूट, वॉशरूम, ये सारे सेम है यार। यहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, डिफरेंट लेना तो फिर आप जा समझ जाओ। क्यों भी बिल्कुल सही है ना, माना तो सेम थिंग ही है, सेम थिंग है, सेम डिटो। प्लान करना अपना, प्लान तो ये भी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, थोड़ा वार्म हो जाए, ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दियों से पालो सही तरीके ना, लो लो, सर्दियों जैसी ठंड है। इनको बहुत ठंड लगती है भाई, ये गौर से देख, ठंड है ही इतनी ज्यादा, मैं क्या करूं भाई, सर्दियों से भी ज्यादा वाली ठंड हो गई। इस बंदे को बहुत ठंड लगती है। अच्छा तो तुम जिस लोगों ने चीज नोट की, मेरा नाम नहीं पता तुम लोगों को अब तक। ही इज कुणाल, ही इज शी इज, देखो ये कुणाल है, ये महिमा है, जो बाहर है उनका नाम अमित है, मेरा नाम क्या है पता ही नहीं, पंकज। मेरा नाम पंकज है। एंड चलो यार तुम्हें बताता हूँ, आई होप इनका खाना अच्छा हो। बाकी बाहर मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया वाले जो प्लेन्स में हैं, कहते ना आग लगी है मैदानों में, ठंड पड़ी पहाड़ों में। तो यार ये कैंप्स में हम स्टे कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, सबको साथ में इसको चलना चाहिए।
देयर लास्ट ईयर हमने मिडवेस्ट टाइम में स्टे किया था, बाघा कैंप्स हैं यहाँ पे, वो भी अच्छे हैं, पर ठीक है ठंड काफ़ी ज़्यादा है। देखो यार पीछे व्यू, इट्स अ वेरी गुड व्यू। सो गए थे अभी सीधा, तीन घंटे बाद उठे हैं एंड फीलिंग रियली गुड। ये अंदर बैठा होगा कार्टून बैठा, ये बंदा और एक ये बंदा, ये बारह गर्दी करके आ रहे हैं, पता नहीं क्या करके आ रहे हैं, लॉन्ग वॉक गुड ट्रैक। जिंदगी में कुछ करना नहीं, सारी वॉक आज करनी थी मैंने। हाँ 10,000 फीट तो भाई मैं तो सोऊंगा, गाड़ी कितनी चलाई है मैंने कंटिन्यूअसली। चलो ये देखो ठीक बन गए यार। हाँ आपको कुछ टी शर्ट बनवाई थी वेगाबॉन्ड्स की, वो रिवील करते हैं, दिखाओ ना अभी तो ये देखो यार अच्छी बनी है वैसे। ये रहेगी टी शर्ट ऐसी, ये नीचे बैज आ गया लुक, ये जो गाड़ी के बोनट पे है सेम डिजाइन, जो नहीं वो नहीं हुआ, ये बैज आ गया आम पे, बाकी सब जब सभी इकट्ठे डालेंगे तब तो आपको दिखाऊंगा। और आई होप पसंद आई होगी, ठीक है बस डिनर की वेट कर रहे हैं, सोएंगे सुबह निकलना। इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद बारह लाचा काम खराब ना हो, लेट्स सी क्या बनता है। यार डिनर कर लिया, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा डे रहा। कल रात को कितने बजे चले थे हम? 8 बजे, 8:15 है ना, 8:20। तो बस अब खाना खा लिया यार हमने, तो कल मिलते हैं, कल होपफुली अगर बारह लाचा खुला हुआ तो हम सुबह ले फ्यूज हुआ पड़ा यार, ठंड बहुत ज़्यादा है, कल ले के लिए निकलना हमने बारह लाचा, 4-5 पास आने हैं, तो मिलते हैं यार कल। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।